हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी वोकैबुलरी सीरीज का डे 8 होगा और अब तक जो 7 सीरीज हुए हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड आता है एस्टोनॉइशिंग, जिसका मतलब होता है कॉजिंग अ ग्रेट सरप्राइज और अमेजमेंट, यानी कि जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज हो उसे हम एस्टोनॉइशिंग कहते हैं। सेकेंड वर्ड हमारे पास आता है सन ड्राई। सन ड्राई का मतलब है वेरियस, यानी कि बहुत सारी चीजें। आपके पास कोई चीजें हैं और आपको ऑप्शन मिलता हो, ऑप्शन को भी हम सन ड्राई बोल सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मेरे सभी कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को उन कोर्सेज के लिए एनरोल करा सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। थर्ड वर्ड हमारे पास आता है अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट एक्सट्रीम, यानी कि जो सबसे ज्यादा बढ़कर हो, उससे आगे कोई चीज हो ही ना हो। मोस्ट एक्सट्रीम का मतलब, यानी कि एंड पॉइंट भी हम इसे बोल सकते हैं। फोर्थ वर्ड आता है हमारे पास फीबल। फीबल का मतलब होता है लैकिंग बॉडीली स्ट्रेंथ, यानी कि जिसमें स्ट्रेंथ की कमी हो, बहुत कमजोर हो, वीक हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलते हो, तो उसे भी हम फीबल कहते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक ऐसा मैसेज जो राइटर अपने सिग्नेचर के बाद लिखता है। अ मैसेज एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द राइटर्स सिग्नेचर। राइटर ने अपने साइन किए और उसके बाद एक मैसेज लिख दिया। यहां हमारा डे 8 कंप्लीट होता है। आप अपनी पुरानी सीरीज को रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें आपकी वोकैबुलरी को। अगर आपको लेवल अप लगता है तो वो भी चीज बताइए। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching.